प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ जिन लोगों ने शास्त्रों की रचना की उन लोगों ने अपनी कल्पना के अनुसार देवताओं के स्वरूप का वर्णन कर दिया है, वह क्या सत्य है? माँ एक बात है, भाव का भी रूप होता है, क्रोध का भी अलग रूप होता है, प्रेम का भी रूप होता है, श्रद्धा का भी रूप होता है। तुम लोग भगवान को प्रेम स्वरूप, सत स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप क्यों कहते हो? अभाव और स्वभाव का भी एक एक रूप होता है। अभाव का यदि रूप ना होता तो अभाव से तुम क्यों परेशान होते? प्रेम स्वरूप से सुख मिलता है। यदि मनुष्य को दुख ना होता तो वह पूर्ण होने की कोशिश क्यों करता? मनुष्य में पूर्णता विद्यमान है, तभी ना वह पूर्णता चाहता है और उसके लिए प्रयत्न करता है। भगवान से तुम अपने को दूर सोचते हो, इसलिए दुख मिलता है। जहां दूर भाव नहीं, वहां आनंद ही आनंद है। वासना कामनाओं का संयोग मन से ही होता है, यह भाव का ही रूप है। तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वह किसका स्वरूप है? वह भी भाव का ही स्वरूप है। तुम पहले सिर्फ अकेले थे, फिर दो हो गए, उसमें से 10 बन गए। यह सब क्या भाव का स्वरूप नहीं है? देखो, तुम अपनी भी कल्पना कर लेते हो। कल्पना क्या है, तुम कौन हो? विचार करने से पता चलेगा कि तुम वही हो, वही हो। भावना का एक रूप है, मूर्ति है, गुण है और क्रिया भी है। जगत में जितने भाव हैं उन सब की मूर्तियां हैं। सुना है कि श्रीमद् भागवत में इसकी बात आती है, उसमें भिन्न भिन्न भावों की मूर्तियों का वर्णन आता है। श्री शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। यदि कामदेव का रूप ना होता तो शंकर जी कैसे भस्म करते? वासना कामनाओं का भी रूप होता है। जैसे तुम्हारा रूप है, वैसे ही तुम्हारी भावनाओं का भी एक प्रकार का रूप आता है। जहां भाव अभाव का भाव नहीं, वहां कोई रूप की भी कोई बात नहीं आती है। प्रश्न करता, मां आपने गणेश जी का दर्शन किया है, उनका वर्णन कीजिए। आपने आध्यात्मिक जगत में जो जो देखा है वह सब हम लोगों को दिखाइए। मां इस शरीर की बात तुम लोग छोड़ दो, तुमने जब पूछा है तो यह शरीर कहेगा शास्त्रों में जिन जिन देवताओं का वर्णन जैसा जैसा आया है, स्वरूप ठीक उन लोगों का वैसा ही है। किसी के इष्ट देवता श्री राम होते हैं, किसी के श्री कृष्ण हैं, किसी की इष्ट देवी दुर्गा माँ हैं, किसी की माँ काली। अपने अपने इष्ट देवता के मुताबिक उनकी साधना भी अलग अलग है। अभी तुम में जो इच्छा प्रकट हुई है वह क्या है? तुम्हारी ही मूर्ति आकृति का प्रकाश हुआ है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मन में पहले से थी, उसका बाहर प्रकाश हुआ। हर एक व्यक्ति के भीतर सुप्त इच्छाएं भी रहती हैं, यह इच्छाएं समय आने पर बाहर आती हैं। इन सुप्त इच्छाओं को जब गुरुदेव बाहर लाते हैं तब साधक को पता चलता है। जिसको भगवत प्राप्ति होती है उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। कैसा सुंदर है, तुम्हारा जैसा संस्कार होगा वैसा दर्शन मिलेगा। एक साधक के कृष्ण दर्शन में और दूसरे साधक के कृष्ण दर्शन में फर्क भी हो सकता है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां एक और अनंत एक साथ में रहते हैं। साधनाएं भी अनंत प्रकार की होती हैं, उनका अंत तुम कहां से लाओगे? तुम्हारा दर्शन विकसित और व्यापक होते होते ऐसे स्थान पर आएगा कि जहां तुम्हारे कृष्ण और उनके कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहेगा। इस शरीर ने किसी से सुना है कि उनको जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं जानता हूं कि तुम साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो, लेकिन मैं तुम्हारा इस रूप में दर्शन नहीं चाहता हूं।
ज्ञान से मुझको प्रत्यक्ष हो रहा है कि तुम दो नहीं हो, तब भी मैं तो कमल लोचन श्री राम के रूप में ही तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसा भाव भी आता है। इसमें ज्ञान और भक्ति एक साथ में है। किसी किसी स्थान में अपनी अवस्था अनुसार भगवान का प्रकाश होता है, फिर कोई अलग भी नहीं है। प्रत्येक का राम, प्रत्येक का कृष्ण, प्रत्येक की दुर्गा है, सब मेरा ही इष्ट देव है, एकमात्र वही है, वही है। प्रश्नकर्ता, मां आप अपना अनुभव बताने की कृपा कीजिए। मां अपने अपने अनुभव की मूर्ति होती है, अनुभव अपने अपने संस्कार के अनुसार होता है। जैसे जैसे तुम्हारा मन साफ होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा अनुभव भी बदलता जाएगा। प्रत्येक साधक को अपना अपना अलग अनुभव होता है। इसमें अनुभव करने वाला अलग रहता है, और एक स्तर है जहां अनुभव और अनुभव करने वाला एक हो जाता है। कौन किसका अनुभव करता है, एक वही तो है, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। सर्वत्र एक भगवत सत्ता वर्तमान है। प्रश्नकर्ता, मां प्रश्न का जवाब ठीक ठीक स्पष्ट हुआ नहीं, अपना अनुभव बताइए। मां इस शरीर की बात जाने दो, जिन लोगों ने अनुभव किया है या सुना है उन लोगों ने कितना कुछ किताबों में लिखा है। जब तक अपने को सच्चा अनुभव ना हो तब तक कुछ नहीं है। इस शरीर में साधना के बहुत किस्म के खेल हुए थे। तुम सब लोगों का जितना अनुभव है वह सब इस शरीर में प्रकाशित हो गया था, कोई अनुभव बाकी नहीं रहा। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।